नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका डिजिटल सासू माँ में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गंजापन, बालों का झड़ना, रूसी फंगस, इसको कैसे जड़ से दूर करें। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही एक घरेलू टिप्स लेके आई हूँ और वो 100% है क्योंकि मैंने इसको यूज करा है और इसके रिजल्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव आए हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आपके साथ भी शेयर करना है, तो मैं आज आपके साथ करने वाली हूँ। तो जो पेड़ों के ऊपर अधिकतर लगी रहती है अमरबेल, देखिए ये अमरबेल है, मैं आज इसी से ये आपको गंजापन और रूसी फंगस को दूर करने का मैं बताने वाली हूँ। तो पहले सबसे पहले बताऊंगी ये अमरबेल है क्या और इससे कितने फायदे होते हैं। इससे कई बीमारियों का इलाज होता है। तो मैं आज अमरबेल के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। देखिए इसकी ऐसी जड़ टाइप रहती है, तो कहीं भी आपको मिल जाएगा। और भी इसकी जो तेल बनाना बताऊंगी बालों का झड़ना, तो कई बीमारियों का इलाज का मैं आज इसका डिटेल आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ इससे क्या क्या फायदा। अमरबेल के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये इसमें औषधियों के गुणों से भरपूर होता है और विभिन्न प्रकार के रोगों को भी दूर करने में कारगर है। इसके गुणों की प्रशंसा जितनी भी की जाए वह हमारे कम है। ये बिना जड़ वाला पीले रंग का परजीवी पौधा होता है जो पौधा या पेड़ों पर चढ़ा हुआ मिल जाता है। इसके सफ़ेद फूल खिलते हैं जो गुच्छों में होते हैं। जिस पेड़ पर यह बेल चढ़ जाती है वे पेड़ क्या सूख जाता है और इसके अभाव में चलते इसकी पत्तियां पीली दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि वो अंदर का पेड़ सूखने लगता है तो इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं। अमरबेल कई बीमारियों में मतलब बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम आज करने वाले हैं गंजापन और बालों के सभी रोगों को ये जड़ से खत्म कर देता है। तो आज मैं इसका आपको तेल बनाना बता रही हूँ और उसके दो औषधि गुण बता रही हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या लगेगा। देखिए ये अमरबेल है, एक तो इसमें अमरबेल तो लगेगी और इसमें मैं एक सरसों का तेल का यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले अमरबेल को मैं बारीक काटूंगी। देखिए चाकू से मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, ये बारीक बारीक टुकड़े अमरबेल के काट लिए। और इसमें 50 ग्राम मैं तेल डालूंगी। इस तेल को मैं 40 से 45 दिन धूप में हमको रोज रखना है और 45 दिन बाद ये हमारे सिर में लगाने के लायक हो जाएगा। और उसको 45 दिन बाद आप है ना इसको छानने की जरूरत नहीं है, बस इसी में से डायरेक्ट रोज सिर पे आप लगाइए तो ये हमारा तेल बहुत उपयोगी है। अमरबेल मेरे दूसरा और एक और गंजेपन का ट्रीटमेंट बता रही हूँ, ये अमरबेल है, इसको मैं मिक्सर में पीस रही हूँ। तो देखिए पीस कर थोड़ा सा पानी लिया है और पीस कर ये ऐसी हो गई है। अब मैं इसको छान के बताती हूँ। ये मैंने मिक्सर में अच्छे से अमरबेल को पीस ली है और अब मैं छलनी से इसको छान रही हूँ। देखिए अच्छे से मेरा ये अमरबेल छन गई है, इसका कलर बढ़िया आया है। अब इसमें मैं तेल डालूंगी, सरसों का तेल डालूंगी, आप चाहे तो नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। तो इसको एक चम्मच में इसमें तेल डाल रही हूँ, एक चम्मच तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये पूरा पानी में मिक्स हो जाएगा और एक रुई के फुआ से पूरे सिर में अच्छे से मैं लगाऊंगी और इसको लगा के हमको एक घंटे करीब रखना है और फिर अच्छे से शैम्पू करना है। और शैम्पू करने के बाद और जो मैंने ये उबला इसका जो पानी उबाला है और इससे कंडीशनर करना है, इस पानी से कंडीशनर करना है। बाल धोने शैम्पू धोने के बाद आप इस पानी से जो इसको उबाला है मैंने इसे आप कंडीशनर करें, आपके बाद देखिए बाल झड़ना बंद हो जाएगा। बालों के जो
ग्रोथ हो नहीं रही, वो ग्रोथ आ जाएगी, रूसी फंगस सभी इससे दूर हो जाएंगे। और इस जो हम ऑयल बना रहे हैं इसको उबालना नहीं है, देखिए इसको ये पानी में ऐसा कर और अच्छे से तेल से लगाना है। देखिए अमरबेल का ये तेल कितना बढ़िया बन गया है, और इस तेल को आप सिर में लगाइए अच्छे से, 1 से 2 घंटे उसको रहने दीजिए, फिर अच्छे से शैम्पू करिए, और शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर, इसी का जो उबला पानी मैंने आपको बताया है, उससे पूरे सिर धोने के बाद आप उसको लगाइए, और आप देखिए 15 दिन के अंदर ही आपके बालों में इतना चमत्कारी फायदा होगा, जो बाल झड़ रहे हैं वो रुक जाएंगे, सफ़ेद बाल काले होने लगेंगे, रूसी फंगस दूर हो जाएगी, और जो गंजापन है वो भी दूर हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर लगाइए, और मेरे वीडियो से जो भी आपको फ़ायदे हुए हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।